देश भर में नकली प्रोडक्ट्स के नाम पर कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। ब्रांड के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स देने का मामला लगातार सामने आ रहा है। हमने आपको पहले भी सावधान किया था, बताया था किस तरीके से बिहार के वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में नकली तेल कंपनी का खुलासा हुआ। ब्रांड के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं और इसका खुलासा किया था ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने। और इसी बीच में एक और बड़ी सफलता इस कंपनी को हाथ लगी है पंजाब में। लगातार पूरी दिल्ली की टीम जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में इसका खुलासा कर रही है। और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जालंधर में भी ऐसा एक ही मामला जो है वह सामने आया है, जहां पर हार्पिक डिटॉल जैसे बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार किया जाता था, नकली प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते थे और लोगों तक पहुंचाया जाता था। ये कहीं ना कहीं हर तरफ से नुकसानदायक है, अर्थव्यवस्था के मामले में भी कंपनी को भी नुकसान तो पहुंचता ही है। साथ ही साथ आप अगर पूरा पैसा देते हैं तो फिर आप तक असली सामान नहीं पहुंच पाता। ऐसे में ब्रांड प्रोटेक्शन कंपनी को एक और बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सघन जांच किया गया था जालंधर में, जहां पर यह मामला सामने आया है। हार्पिक और डिटॉल जैसे विटामिन सी जैसे दवाइयों का भी नकली ब्रांड जो ब्रांड के नाम पर नकली प्रोडक्ट्स है वो तैयार किए जाते थे। और ऐसे में जिस तरीके से जो खुलासा हुआ है वह बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल जालंधर के अटारी बाजार मार्केट में दिल्ली से आई स्पेशल टीम ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने पुलिस थाना डिवीजन नंबर 3 के साथ मिलकर जालंधर के अटारी बाजार में डोगरमल चिरंजीव लाल एंड सन्स पर छापेमारी करते हुए दुकान से भारी मात्रा में नकली हार्पिक, नकली डिटॉल साबुन व नकली पेटनोवेट सी क्रीम बरामद की। इस छापेमारी में दिल्ली से आई स्पेशल टीम में कई महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल थे। देव कुमार, एस कुमार, राजेंद्र सिंह भी शामिल थे। डिवीजन नंबर 3 के पुलिस अधिकारी भी इस छापेमारी में मौजूद थे। उन्हें बताया कि पहली नजर में ही यह सभी सामान नकली प्रतीत हो रहा था। वहीं जब दुकानदार से इन सभी सामानों का बिल मांगा गया तो दुकानदार मौके पर किसी भी सामान का बिल नहीं दिखा पाया। वहीं से सवाल ये उठना शुरू हो गया, वेटनोवेट सी जैसी फार्मा आइटम यह सभी दुकानदार बिना ड्रग लाइसेंस के कैसे बेच रहे हैं? क्या पंजाब ड्रग विभाग का इस ओर अब तक ध्यान नहीं गया था? इन तमाम चीजों को लेकर अब जब इस कंपनी के अधिकारियों को खबर लगी, भनक लगी तो उन्होंने तुरंत छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में ये नकली प्रोडक्ट्स जो है वह बरामद किए गए हैं। FIR दर्ज करा दी गई है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब बढ़ रहे 24 के साथ और सावधान रहे ऐसे नकली प्रोडक्ट्स।